अभी मोस्टली लोग इसको डंकी बोलते हैं, डोंकी बोलते हैं, या बॉर्डर क्रॉसिंग करके आते हैं। Where are you going? California. California, you? California. Where are you from? India. You? Where are you from? India. Where are you going? California. Punjabi. Where? Punjabi only. Where are you going? New York, California, where are you going? California. California? Where are you from? California. Where are you from? India. You're India? And you? हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम लोग बात करेंगे अमेरिका में, तो अभी मोस्टली लोग इसको डंकी बोलते हैं, डोंकी बोलते हैं, या बॉर्डर क्रॉसिंग करके आते हैं, अलग अलग साउथ अमेरिकन कंट्रीज से आते, कनाडा के बॉर्डर से क्रॉस करके अमेरिका में आते। तो ये पूरा बॉर्डर का जो सिस्टम है ना भाई, ये क्या होता है, लोग कैसे क्रॉसिंग करके घुसते हैं, उनके साथ में क्या क्या होता है, आज इस वीडियो में बात करेंगे। आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एजेंट क्या प्रमोट कर रहे हैं इंडिया में, कैसे इसको सेल कर रहे हैं, कितना बड़ा बिजनेस है ये, कितना बड़ा स्कैम है ये, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो वेलकम बहुत दिल से, अगर आप हमारे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं तो वेलकम बैक। जस्ट आपको बता दें अगर आप नए हैं कि ये जो चैनल है हम इसके ऊपर सिर्फ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालते हैं जो अमेरिका के रिलेटेड हो, यहाँ के लॉज, यहाँ के प्रोसेसेस, इमिग्रेशन, दैट इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल से ये चैनल पे मिल जाएगा। हमारी कोशिश ये होती है कि वी शेयर द इन्फॉर्मेशन, वी डू नॉट प्रमोट और एनकरेज एनी काइंड ऑफ इलीगल एक्टिविटी। सो प्लीज अगर आपने यूएस आना है, प्लीज आप लीगल तरीके से यहाँ पर आए। और अभी हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट 2 लाख सब्सक्राइबर हो गए, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों की वजह से। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। जैसे रियान ने बताया यूएस में आने के काफी तरीके हैं, और इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉर्डर क्रॉस करके कैसे लोग आते हैं और किस किस मुसीबतों से झेल कर वहां अगर लकी है तो पहुंच जाते हैं, अनलकी है तो बेचारे कितनी अपनी जान गवा देते हैं। और ये जो स्टुपिड सिलसिला है वो शुरू होता है आपकी होम कंट्री से, वहां आपको एजेंट्स पकड़ते हैं, अगर देख लेते हैं कि भाई आपको शौक है अमेरिका जाने का और हर किसी को है एक बेहतर जिंदगी का, विच इज नॉट रॉन्ग एट ऑल, लेकिन उस चीज का फायदा उठाते एजेंट्स, वो लेते हैं 30-40-50 लाख एक एक बंदे का और उसको ब्रेन वॉश करके बोलते हैं ठीक है भाई तेरे को कनाडा की वीजा लगा के दे दूंगा, मेक्सिको की वीजा लगा के दे दूंगा, साउथ अमेरिका की किसी की भी वीजा लगा के दे दूंगा, बस यहाँ पहुंचना है, फिर इधर से इधर जाना है, उधर से उधर जाना है, 20 घंटे 24 घंटे 3-3 दिन भूखे प्यासे बच्चों के साथ, बच्चों के बगैर, अनजाने देश में, अनजाने लोगों के सामने साथ में रहकर आप जैसे तैसे बॉर्डर पे पहुंच जाओगे, उसके बाद तो आपको एंट्री मिल जाएगी, डोंट वरी। ये कहानियां भाई एजेंट्स बताते हैं सबको, करेक्ट, ठीक है। और ये बंदे बेचारे पता नहीं अपनी मेहनत की कमाई दे दे के इस उम्मीद से आते हैं कि एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, क्या होता है उनके साथ, इट इज अनबिलीवेबल। कुछ दिन पहले रियान ऐसे ही किसी बंदे से मिले थे और आप सुनिए उनके साथ क्या हुआ। सो बेसिकली मैं ना एक गैस स्टेशन पर गया था, मेरे साथ में एक बंदा भी था, उसके साथ मैंने वीडियो भी किया था और वो बंदे का ना मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड किया था, लेकिन वो बंदा जब मैं बाहर रिकॉर्ड करके आया ना वीडियो, वो बंदे लिटरली मेरे को बोला, मतलब मैंने उसको पूछा ऐसी बातों, मतलब भाई आप आए कैसे अंदर, और वो बंदे को ना इंग्लिश आ भी नहीं रही थी बिकॉज, और वो बेचारा गैस स्टेशन पे यहाँ पे काम कर रहा था। मैं बेचारा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिसको इंग्लिश नहीं आती ना उनको थोड़ा सा मतलब फिर ऐसे ही सारे काम करने पड़ते गैस स्टेशन वगैरह में, जो बुरे नहीं है लेकिन फिर वो ओनर्स रहते हैं, फायदा उठाते, इसके बारे में पूरे एक वीडियो बना चुके हैं हम लोग। सो खैर, तो यहाँ पर बात ये हुई कि जब मैं उनको पूछा भाई आप आए कहाँ से, तो वो उसने बताया भाई मैं इंडिया के ये हिस्से से आया हूँ। तो मैं बोला कि अच्छा, मतलब कितना पैसा लगा, मैंने पूछा बिकॉज उनको पता है कि क्या होता है, तो उसने बोला भाई 30 लाख रुपया देकर आया हूँ। बोला क्या बोल रहा है भाई, बोलते हाँ भाई 30 लाख रुपया देकर आया, मतलब कैसे आया, तो बोलते बॉर्डर टाप के और डंकी डंकी, और उसको बेचारे को अभी बोलने भी नहीं आ रहा था बट उसने बोला, तो बोला अच्छा मतलब तुम अकेले आए, तो बोलता है नहीं मेरे साथ में ना 4-5 दोस्त लोग आए, वो कोई यहाँ चला गया कोई यहाँ चला गया, मैं इधर पे आ गया और मैं यहाँ पे आके मेरे को ना अभी सिर्फ 20 दिन ही हुए। बोला अच्छा चल ठीक है, बाकी फिर मैंने वहाँ से खाना वगैरह लिया गैस स्टेशन से, मगर वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा था वहाँ पर कुछ, तो मैं गैस स्टेशन से सामान वगैरह लिया और बाहर निकल पीछे से भाग के आया बंदा, बोलता है भाई भाई आप ना यार ये वीडियो है ना इसको आप डालना मत, क्योंकि फिर ना मेरा बॉस मेरे को बोल रहा है कि तूने ये सब क्यों इन्फॉर्मेशन दे दिया, उसके ऊपर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो बोला चल ठीक है, तो फिर मैंने उसके सामने बोला ठीक है भाई आपकी अश्योरिटी के लिए मैंने इसको यहीं पर डिलीट कर देता हूँ, ताकि आप मेंटली फ्री रहो, आपको कभी डर नहीं रहे कि भाई कहीं ये बंदा जाके किसी दिन कहीं भी अपलोड कर दे, बिकॉज कोई भी चीज ऐसी वायरल हो जाती है आज की तारीख में कि फिर कुछ पता नहीं चलता है। तो मैं उसकी तसल्ली के लिए, वैसे मेरे को डिलीट करने की जरूरत नहीं थी और मैं कहीं डालता भी नहीं, लेकिन उसको
सुकून रखने के लिए, बिकॉज उसको आके 20 दिन हुआ था भाई, इंसान ऐसे ऑलरेडी जब नई कंट्री में जाए तो डरा हुआ रहता है, बाद में बॉस लोग ऐसा बोल देते हो और डरे आते बोलो। तो मैंने बोला चल ठीक है भाई। तो ये बंदा आया था भाई 30 लाख रुपया देकर, और ये यहाँ पर गैस स्टेशन पर फिलहाल वो काम कर रहा है। उसने मेरे को बताया, बोला भाई ऐसे ऐसे बंदे लोग से मैं मिला ना, वो रास्ते में बोलता है भाई मेरे को ना यहाँ पे आने के लिए ऑलमोस्ट 2 महीने लग गए। मतलब क्या बात कर रहा है। बोला मैं इतनी इतनी कंट्रीज ऐसा घूम कर आया, यहाँ से एल सेल्वाडोर, इक्वाडोर, ये सारी चीजों से आया, और फिर वहां पर आने के बाद फिर फाइनली मैंने ना क्या मेक्सिको से और फिर अंदर एंटर मारा। और बोला भाई वो जो बंदा जो उसके साथ में 2-3 बंदे लोग थे, बोलता है भाई उसमें से ना एक की डेथ हो गई, और उसके घर वालों को तो पता भी नहीं है कि भाई वो बंदा है या नहीं। उसके घर वाले मुझे कॉल करते, बोलता है भाई मैं फोन नहीं उठाता कि मैं उनको क्या जवाब दूं, बिकॉज हम लोग आए तो वहां से साथ में थे, लेकिन वहां पर हम लोग जब, बिकॉज वहां पर कैसे ग्रुप्स बनते, 15-15 लोगों के, 20-20 लोगों के ना ग्रुप बनते, और वहां के जो साउथ अमेरिकन कंट्री के जो लोग हैं ना, वो आपको ना जंगलों से रास्ता बताते हैं कि यहाँ से जाना है। ऐसी ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है, जैसे बड़े बड़े सांप हो गए, और अभी आप खुद बताओगे ऐसे जंगल में अगर आप किसी भी जंगल से, अनजान जंगल से जाओगे, आपको वहां का कुछ पता भी नहीं है कैसे कैसे जानवर होते, तो इसमें काफी सारे लोगों की भाई डेथ होती है। बोलता भाई हम लोग बिछड़ गए थे रात के अंधेरे में, और फिर उसके बाद सुबह नेक्स्ट डे हम लोग देखे तो बंदा मेरे को मिला ही नहीं, मेरे को लगा कि वो कोई और ग्रुप के साथ में जुड़कर चला गया। ठीक है, जब वो ग्रुप से जब यहाँ पे फाइनल पहुंचे, मैं वो उसको पूछा, जो मेन जो था बंदा, वो लोग 5-5 हजार डॉलर भी लेके सब क्रॉस वगैरह करवाते, तो बोल रहा था कि भाई वो बंदा नहीं बचा। ये जो रास्ते है ना, ये ठीक रास्ते नहीं है, आप पैसे भी लगा कर आते हो। अब अमेरिका में रहना सबका हक है भाई, हक है मतलब सबको रहना है, तो किसी को मना तो नहीं कर सकते, लेकिन रास्ता सोच समझ कर आप लोग चुनो, सिर्फ उठकर मत आ जाओ यार। बहुत सैड लगता है यार ये सोच के, बिकॉज मैं सोच रही हूँ लाइक, एक तो वो बंदे जो घर के मर्द होते हैं अपने आप पर इतनी सारी जिम्मेदारी ले लेते हैं बेचारे कि लाइक नहीं हमने ही घर संभालना है, पूरा संभालना है, ये संभालना है, उस चक्कर में किस किस चीज़ों से और कितनी जद्दोजहद से गुजरते हैं, पीछे घर वालों को भी छोड़ देते हैं, और यहाँ पर इनका क्या हाल होता है, वहाँ उनका क्या हाल होता है, सोच के मतलब दिमाग बिल्कुल खराब हो जाता है यार। एक किसी से हम मिले और उसने कहा कि वो भी इसी प्रोसेस लाइक इसी जर्नी के थ्रू आए थे बॉर्डर क्रॉस करके, और वहां पर उनको एक बंदा मिला, वाज वेरी यंग, मे बी अर्ली 20s, लाइक कुछ 21 ऐसे कुछ साल का, 25 के अंदर उस जंगल में मिला था वो बंदा। राइट, जब अलग अलग हो जाते हैं सब लोग, राइट, एक क्योंकि जब आप ग्रुप में आते हो फिर वो जो लीडर रहता है ग्रुप का बोलता है ठीक है अभी तू इधर से जा, तो इधर से जा, तो इधर से जा, बिकॉज वो फैलाना होता है लोगों को, तो सब एक पॉइंट पे अलग अलग हो जाते। जिससे हम बात कर रहे थे उसने वो बता रहे थे ये स्टोरी कि जब हम लोग अलग हो गए, मैं एक जंगल के थ्रू जा रहा था, मुझे एक यंग बंदा मिला, देसी था अपना, मैं रुका, मैंने कहा अरे लाइक यू नो हाय हेलो जो भी जो होता है, और वो सामने से आके उसने बोला कि यार ये मेरा घर का नंबर है, ये मेरा नाम है, और प्लीज जरा मेरी अम्मी को कॉल कर दो और उनको बता दो कि मैं ठीक हूँ, मैं पहुंच गया। मैं अमेरिका पहुंच गया। इसने कहा ठीक है भाई, नो वरीज, वो अपना रास्ता चले गए। तो जब ये यूएस पहुंच गए और इनको याद आया कि यार मैंने कॉल करनी है, कोई मिला था, पता नहीं वो बंदा पहुंचा नहीं पहुंचा, बट शायद घर वाले वेट कर रहे होंगे, तो वो नंबर निकाल के उसने कॉल किया तो पीछे किसी ने कॉल उठाई और कहा कि भाई मैं ना इस इंसान से, आप ये इंसान से मैंने मिला था, और लगता है आपका बेटा या जो भी आपकी फैमिली से है, उसने मैसेज दिया है कि वो US पहुंच गए हैं, तो आप फिक्र ना करें। और वो जो उस तरफ थी फोन की जो औरत थी, आई थिंक उनकी माँ होगी शायद, उन्होंने कहा कि यार आप चौथे इंसान हो पिछले 3 महीने में जिन्होंने कॉल करके बोला है कि आपको ऐसा मैसेज मिला है, मेरा बेटा है वो, के बोल दो कि मैं पहुंच गया, लेकिन उसको गुजरे 3 महीने हो चुके हैं, वो इंसान मर चुका है और वो फिर भी तड़प रहा है कि मेरे घर वालों को बोलो मैं पहुंच गया। इट्स सैड यार, मतलब क्या क्या चीजों से गुजरना पड़ता है, लेकिन एजेंट लोग यार उनको अपने पैसे से मतलब है, उनको आपकी जान की फिक्र नहीं है, उनको ये फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं पहुंचते, कुछ लोग पहुंचते भी है, लेकिन जो नहीं पहुंच पाते जिनके साथ में होता क्या क्या है वो भी आपका जानना फर्ज है यार। यार देखिए अल्टीमेटली ये रिस्क आपका खुद का होता है, अगर सामने वाला बंदा बोल रहा है कि ये है रास्ता, आपका डिसीजन है, लेकिन आपको उस डिसीजन का पूरा प्रोसेस, उसका नतीजा, उसकी जो मुसीबत है वो पता होनी चाहिए। सही वो बात हम है। वो बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको यहाँ पर। सही बात है, ये नहीं बोल रहे कि आप मत आओ, कि आप आओ, कि आप पैसे दो, आप पैसे ना दो, ये अल्टीमेटली आपका डिसीजन है, आपकी लाइफ है। करेक्ट। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये होता क्या है, आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए करना क्या पड़ता है। एंड हम लोग भाई कोई लीगल एडवाइजर नहीं है इमिग्रेशन के रिलेटेड, कोई भी आपको लीगल एडवाइस देने के लिए, सो उसके लिए आप भाई एक इमिग्रेशन लॉयर से कॉन्टेक्ट करें। हम लोग सिर्फ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं इसीलिए कि ताकि आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाए,
हमारे चैनल के थ्रू कि क्या होता है, कैसा होता है। उसके बाद भी इसके आगे डिटेल में, डेप्थ में जानना आपका फर्ज है, आपका खुद का रिसर्च करना भी बनता है। बिल्कुल। तो अगर आपने हमारे चैनल पर ऐसी कोई भी वीडियो देखी हो तो हम लोग कोई भी चीज प्रमोट नहीं करते, हम लोग सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। बिल्कुल। तो अभी ये जो आपने शुरुआत में वीडियो देखे थे वो सारे यंग बच्चे थे, आए थे इंडिया से। कितने यंग थे, अब सोचो अगर उनमें से किसी को कुछ हो जाए तो फिर क्या होगा उनके घर वालों के ऊपर। एक ये हो गया जो मेक्सिको से क्रॉस करके आ रहे, एक होता है भाई कनाडा से। अभी रिसेंटली 2 से 3 फैमिलीज के साथ में ये केस हुआ, वो पूरी की पूरी गुजरात की एक फैमिली थी, वो पूरी ऑफ हो गई। क्यों? उनको पता नहीं था कि क्या करना है कैसे करना है। उसकी हमने जब डॉक्यूमेंट्री देखे ना, मैं और कनीज दोपहर में बैठकर देख रहे थे, वो बर्फ में उनके साथ में जो हुआ है ना, वो लोग मतलब बर्फ के अंदर ही वो लोग दबके ठंड से, या 3 महीने का बच्चा। सोचो ऑफिसर ने जब उनको फाइंड आउट किया, जब उनकी लाश देखा, जब उनकी बॉडी देखा ना, वो ऑफिसर के आंख से आंसू निकल गए कि भाई इतना बड़ा रिस्क क्यों लेकर। वो लोग प्रिपेयर नहीं थे। अब ये लोग भी एजेंट के थ्रू ही गए थे, जो डॉक्यूमेंट्री में बिल्कुल से पता चलता है। अब वो एजेंट ने सब कुछ तो बता दिया, लेकिन उसको इतना भी तो बताना चाहिए था ना कि भाई ये प्रोसेस होता है, या फिर वहाँ ठंड होती है, आप लोग प्लीज थोड़ा प्रिपेयर होकर जाएं। नहीं किया उसने। और ये भी कोई गरीब फैमिली से नहीं थे, ये अच्छे पैसे वाले फैमिली से थे जिनके साथ में ये हुआ। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है पता है क्या? जिनके पास इंडिया में पैसा है ना, उनको एजेंट पकड़ रहे, दैट्स ऑल। वो पैसा दे रहे और अपनी जान फंसा रहे। पूरा मुद्दा यही था, रीजन था कि हम लोग ये वीडियो भी आपके लिए बनाए कि भाई बॉर्डर क्रॉसिंग यहाँ पर लोग करके कैसे आते। मेक्सिको का बॉर्डर सिर्फ साउथ अमेरिकन नहीं क्रॉस करते, वहाँ पर वर्ल्ड के बहुत सारे लोग जाते हैं, कहाँ 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 से गुजर कर वहाँ तक पहुँचते हैं। बिकॉज उनको ये बताया जाता है कि भाई यहाँ से इजी है, यहाँ से ये है, यहाँ से वो है। हम लोग तो सबके लिए अच्छा ही विश करेंगे, बट ऐसी चीज हम लोग प्रमोट नहीं करेंगे। दैट्स इट, इस वीडियो के लिए इतना ही था। ऐसी अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप लोग कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरा एक और चैनल है रेयान सैयद करके, जहाँ पर मैं स्टोरी टेलिंग वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, इंस्पिरेशनल, जहाँ पर आपको कुछ सीखने मिले आपको। आप वो चैनल एक बार विजिट करें, अच्छा लगता है सब्सक्राइब करें, नहीं लगता है मत करें, आपकी चॉइस है। सो बट एक बार अगर विजिट करेंगे, राइट, अगर आप विजिट करोगे तो आपको अच्छा लगेगा, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे जो ये कोशिश है प्लीज उसको आप अप्रिशिएट करिए। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिलेंगे उतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन सब लोगों के साथ स्प्रेड होगी। सो प्लीज इस वीडियो को स्प्रेड करें और हमें भी अप्रिशिएट करें, जैसा कि हम हर बार कहते हैं। तब तक गाइस, स्टे सेफ, स्टे वेरी पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी। हैप्पी गाइस।